1990s में निकली हुई फिल्म बंद दरवाजा जो वैम्पायर्स के ऊपर था, वही रामसे ब्रदर्स के लास्ट सुपरहिट हॉरर फ्लिक था। तो उसके बाद वो लोग थोड़ा रेस्ट लिए और अर्ली 90s में उन लोगों ने जी टेलीविजन के लिए एक हॉरर सीरियल का निर्माण शुरू किए। ये सीरियल पहले तो जी टीवी एक साल में खाली 24 एपिसोड मंजूर किया था, लेकिन ये सीरियल इतना पॉपुलर हुआ, इतनी कामयाब हुई कि इसको 1997 तक टेलीकास्ट करना पड़ा। 1993 टू 1997 ये सीरियल का नाम था द जी हॉरर शो। ये रामसे फिल्म्स के सबसे कामयाब एक सीरियल था जो हॉरर मूवी और लवर्स को बहुत एंटरटेन किया लगातार 4 साल। और उसके बाद ये सीरियल दूसरे नाम से, कुछ कारण के वजह से दूसरे नाम से 1997 टू 2001 तक ब्रॉडकास्ट हुआ। वो सीरियल का नाम जो चेंज हुआ उसका नाम था अनहोन, लेकिन ऑलमोस्ट कास्ट एंड क्रूज एंड टेक्नीशियंस सब कोई लगभग एक ही था। कुछ कानूनी कारण के वजह से जी हॉरर शो को नाम बदल के अनहोनी के रूप में आना पड़ा। हालांकि जी हॉरर शो भारत में बनी हुई पहला कोई टीवी सीरियल नहीं है। लेट 80s में होनी अनहोनी नाम का ऐसे ही एक सीरियल दूरदर्शन पे ब्रॉडकास्ट हुआ था। उसके बाद किले का रहस्य नाम का एक डरावना सीरियल टीवी में आया। और जी हॉरर शो के कामयाबी के बाद जैसे कि फेयर फाइल्स, आप बीती तो बीआर चोपड़ा साहब डायरेक्ट किए, बीआर चोपड़ा के बनाया हुआ सीरियल था, बहुत ही क्वालिटी सीरियल था, दूरदर्शन में दिखाया गया। आप बीती, फियर फाइल्स, हिश कोई है या आहट, आहट भी बहुत कामयाब सीरियल था। लेकिन बावजूद कि इतने हॉरर सीरियल बना टीवी में, दूरदर्शन में और प्राइवेट चैनल्स पे, लेकिन जी हॉरर शो जो मकाम हासिल की थी, जो लोकप्रियता इस सीरियल को मिला, बाकी सीरियल के मुकाबले वो कई गुना ज्यादा था। ये सीरियल एकदम अर्ली 90s में आया। उस समय केबल टीवी या केबल चैनल्स नए नए आ रहे थे और बहुत ही कम घर में, माने शहर इलाके में ही केबल का दबदबा था। गांव इंटीरियर छोटे शहर में केबल टीवी तक तब नहीं उतना अपना सिक्का जमाया था। उस समय का सीरियल था द जी हॉरर शो। जी हॉरर शो में टोटल एपिसोड, अगर अनहोनी को इंक्लूड करें, तो टोटल 364 एपिसोड ब्रॉडकास्ट हुआ था। और 9th अगस्त 1993 जी हॉरर शो का पहला कहानी दस्तक, जिसमें पंकज धीर, अर्चना पूरन सिंह जैसे कलाकार थे, ये टीवी में टेलीकास्ट हुआ। ये छोटा छोटा डरावना कहानी था, शॉर्ट स्टोरीज जिसको हम लोग बोलते हैं, ये शॉर्ट स्टोरीज था। और इसको 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे एपिसोड में इसको पूरा कंप्लीट किया जाता था। और हर एपिसोड का लिमिट होता था 22 मिनट्स 22 मिनट। इसमें जो सबसे लंबा चला जो कहानी था वो था कहानी साया। साया की कहानी 11 एपिसोड तक चला और इसमें बहुत ही जाने माने कलाकार
अभिनय किए, जैसे कि आलोकनाथ जी, रौनित राय, पृथ्वी, अर्चना पूरन सिंह, पंकज धीर, जावेद खान, सुधीर पांडे, रमा वीज, टीना घाई, महावीर शाह, ऐसे कई, पूनम दास गुप्ता, ऐसे कई फेमस एक्टर एंड एक्ट्रेस इसमें काम किए। और बहुत ही डरावना था इसके कहानी, रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। और टोटल रामसे ब्रदर्स के जो यूनिट है, सिनेमाटोग्राफी, कैमरा, गंगू राम से जी ने इसको जिम्मेदारी से निभाई और बहुत बढ़िया कैमरा वर्क था। और फिल्मों में बड़े पर्दे में जो रामसे मूवीज का टेस्ट मिलता था, एकदम वही टिपिकल रामसे घराने का ये सीरियल था। जो जितना डर रामसे मूवीज बड़े पर्दे पे प्रेजेंट किया फिल्म लवर्स को, उतना ही डर और उतना ही एंटरटेनमेंट ये जी हॉरर शो भी प्रोवाइड किया छोटे पर्दे में स्पेक्टेटर को, दर्शकों को। और इस फिल्म के जो थीम म्यूजिक था, इसको कंपोज किए थे अजीत सिंह जी ने। ये बहुत ही एक कल्ट थीम म्यूजिक, जो रामसे ब्रदर्स के हर, लगभग हर हॉरर मूवी में इस म्यूजिक का इस्तेमाल हुआ। वही म्यूजिक को इस हॉरर शो का, जब कास्ट एंड क्रूज के टाइटल शो होता था, उस समय ये म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया। और फिल्म के अंदर भी ये थीम म्यूजिक बहुत बार इस्तेमाल हुआ। दोस्तों, इसमें सबसे जो पॉपुलर कहानी इसमें थे, माने जो कहानी सबसे लोकप्रिय हुआ, वो कहानी जैसे थे कि खौफ। खौफ एक बहुत ही भयानक कहानी था, और दस्तक इसका पहला कहानी था, और माई रोटी दे दे एक सत्य घटना पे आधारित मध्य प्रदेश में माई रोटी दे दे ये कहानी बहुत फेमस हुआ। माई रोटी दे दे के कहानी शुरू में तो बहुत डर लगता है, लेकिन बाद में जब उसका कहानी का अंत होता है तो डर से ज्यादा बहुत दुख होता है कि ऐसे घटना हमारे देश में कभी हुआ था। इसको अगर छोड़ दे तो दहशत, रात, अचानक, राज, ये सब कहानी बहुत ही डरावना था, बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली थे। और इसके जो मेकअप थे, ये फिल्म, ये सीरियल के जो जो मॉन्स्टर थे या जो भूत का जो मेकअप, ये बहुत ही भयानक था। और ये सीरियल का मुसीबत का कारण भी यही बन गया। इस सीरियल को टेलीकास्ट होने के बाद लोग तो पसंद करने लगे, लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम हो गया कि बहुत किस्म के जो कमजोर दिल के हैं वो लोगों को रात में सपना आने लगा। बहुत से जो बुजुर्ग है या कोई जिनका दिल की बीमारी है, उनको हार्ट का प्रॉब्लम होने लगा, बच्चे डरते थे। तो ये सब कारण में क्या हुआ कि एक केस कोर्ट में इस सीरियल के खिलाफ, शायद मोस्ट प्रोबेबली पंजाब कोर्ट में इसका इसके इस सीरियल को रद्द करने के लिए एक मुकदमा दायर हो गया। तो इसका जो मेन स्पॉन्सर था एक टूथपेस्ट कंपनी, वो स्पॉन्सर कोर्ट में बोला कि ऐसा कोई बात है नहीं कि इतना, इससे पहले भी बहुत से हॉरर फिल्म, हॉरर सीरियल टीवी में ब्रॉडकास्ट हुए हैं और बहुत दूसरे कंटेंट भी है जो सुटेबल नहीं होता है, लेकिन उसको दिखाया जाता है। तो ये एकदम सिंपल, एक तो भूत का सीरियल है तो इसमें पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। तो इसके ऊपर और ब्लेम था कि इसके कुछ जो सीक्वेंस है, जो सब्जेक्ट है, वो बच्चों लोगों के लिए तो एकदम नहीं है, वो एडल्ट कंटेंट थे, तो इसके ऊपर भी थोड़ा प्रोहिबिशन लगना का सवाल उठा। तो कुछ भी हो, लास्ट में ये यहां तक ये बात हुआ था कि अगर ये सीरियल को ब्रॉडकास्ट किया ही जाए तो इसका स्लॉट बदल दिया जाए, जिस समय सीरियल ब्रॉडकास्ट करता है उस समय बच्चे जागते हैं, तो उसको रात को, थोड़ा और रात को अगर इसको ब्रॉडकास्ट किया जाए तो अच्छा है। तो आखिर में इस मुकदमा का नतीजा यही निकला कि ब्रॉडकास्ट का टाइम इसका नहीं बदला, लेकिन ये इसमें जो मेकअप है, जो डरावना खौफनाक जो चेहरा
और जैसे सीक्वेंस इसमें थोड़ा पाबंदी लाने को कोर्ट से निर्माताओं और निर्देशकों को बोला गया, और जो मैच्योर जो एडल्ट कंटेंट्स है उसमें भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लाने को बोला गया। तो इसके बाद ये जो सीरियल है जी हॉरर शो, ये 1997 में नाम बदल के अनहोनी नाम से फिर से चालू हो गया, और अनहोनी 1997 से 2001 तक चला था, और इसका पॉपुलैरिटी भी एकदम जी हॉरर शो के जैसा ही था। जो क्वालिटी जी हॉरर शो का था वही अनहोनी का था। अनहोनी का पहला स्टोरी था जाल, और अनहोनी 2001 में जो लास्ट एपिसोड था उस कहानी का नाम था फैटल लव, जिसमें मशहूर एक समय का फिल्म के हीरो रोनित रॉय उसमें दिखे थे। जी हॉरर शो के सभी कलाकार टीवी में बहुत ही बड़े, टीवी के मायने में बहुत बड़े कलाकार थे। इसमें आलोक नाथ जी के जैसे एक्टर काम किए हैं, और बहुत ही अच्छे एक्टिंग देखने को मिला है, सीक्वेंसेस बहुत बढ़िया है। और इसमें भी जो कहानी सब है उसमें एकदम सुनसान कब्रिस्तान, एक खंडहर हवेली, शापित मूर्ति, चुड़ैल, एक हिम्मत वाला पुलिस ऑफिसर, प्रेतात्मा, डॉक्टर, वकील, तंत्र विद्या, ऐसे भौतिक रस का जितना भी वो उपकरण सामग्री होता है वो सारे इसमें मौजूद थे। सीरियल बहुत ही अच्छा और लोकप्रिय है, लेकिन सबसे दुखद की बात यह है कि ये जी जो इनके जो ब्रॉडकास्टर थे वो शायद इस सीरियल के पॉपुलैरिटी के बारे में इतना सीरियल उनको माने अंदाजा नहीं था ये कि ये सीरियल एक बाद में कल्ट सीरियल हो जाएगा। तो बहुत से टेप्स या फुटेज उन लोगों को पास शायद नहीं है। उस समय जब सीरियल ब्रॉडकास्ट हुआ तो कुछ जो बहुत ही अलग किस्म के दर्शक होते हैं, उस समय तो वीसीआर वीडियो का जमाना था, तो कुछ आदमी ऐसे हैं कि उस समय वो बार बार देखने के लिए सीरियल्स के कुछ एपिसोड को या कुछ कहानी को वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखे थे। तो आज के जमाने में वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स का जो वीडियो टेप्स है वो बहुत ही अनमोल है। यहां तक कि जो कहीं अगर देखने का भी कोई कोशिश करता है कोई माध्यम में, तो उनको भी ये सारे कहानी और सारे एपिसोड मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इनके जो ब्रॉडकास्टर हैं वो भी कोशिश में जुटे हुए हैं कि उस समय जो लोग ये सीरियल को एंजॉय किए थे, ऐसे जो व्यक्ति है जो सीरियल के फुटेज को रिकॉर्डिंग करके रखे हैं, उसको कैसे भी करके कलेक्ट किया जाए। इसके बाद 1994 में रामसे ब्रदर्स ने महाकाल नाम का एक फिल्म बनाया जो एवरेज बिजनेस किया, लेकिन रामसे का ब्रदर्स का जादू बड़े पर्दे के बाद छोटे पर्दे में भी जी हॉरर शो और उसके बाद में अनहोनी बहुत ही मशहूर हुआ, पॉपुलर हुआ, और आज भी इस सीरियल का जो पॉपुलैरिटी है वो बिल्कुल घटा नहीं। जो जेनरेशन नेक्स्ट है उनको जानकारी देने के लिए ही मैंने इस सीरियल का एक्सप्लेनेशन किया, वर्णन किया। आप लोग हो सके तो इस सीरियल के सारे एपिसोड देखिए, द जी हॉरर शो का भी देखिए और अनहोनी का भी देखिए। हमारे समय के तो जो जेनरेशन है वो तो इस सीरियल को जितना बार देखते हैं वो तो नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, और अगर आपको भूत पसंद है, डर पसंद है, सस्पेंस पसंद है, तो ये जी हॉरर शो के वीडियोज सारे कहानी जरूर देखिए।